वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी एक और नई वीडियो में तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है किलर ऑफ द फ्लावर मून। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के एक छोटे से टाउन की, जहां पे अचानक से उस टाउन के नीचे से ऑनायल निकल आता है। लेकिन जब अमेरिका को इसके बारे में पता चलता है, वो इस टाउन के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। तो इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है, वो मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है, जो कि आप इसकी IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है ICU। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हम कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहां पे अचानक से एक 10 साल का बच्चा एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। अब इस बच्चे को ढूंढने के लिए ग्रे नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ग्रे और उसकी फैमिली के साथ भी बहुत ही अजीब इस तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं। तो आखिर ये बच्चा कहाँ गायब हो गया, और आखिर क्या ग्रे उस बच्चे को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, और पूरी मूवी की मिस्ट्री क्या होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब सच बताओ तो मैंने कल ही इस मूवी को देखा है, और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मिस्ट्री क्राइम से भरी हुई मूवीज देखना पसंद है, फिर तो आपको ये मूवी डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द कॉन्ट्रैक्टर। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है US मिलिट्री ऑफिसर जेम्स की, जिसे किसी रीजन की वजह से जबरदस्ती आर्मी से निकाल दिया जाता है। अब जेम्स को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो एक प्राइवेट मिलिट्री एजेंसी में ज्वाइन हो जाता है, जहां पे जाने के बाद उसे एक मिशन मिलता है एक साइंटिस्ट को किडनैप करने का। तो ऐसे में जेम्स निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन जेम्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो यह काम करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस मिशन के चलते जेम्स अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देता है। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, और आखिर क्या जेम्स अपने मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जेम्स के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यकीन मानो, ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है, जिसके अंदर आपको भर भर के एक्शन सीन देखने को मिलने वाले। तो अगर आपको इस तरह की एक्शन मूवीज देखना पसंद है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को यार एक बार तो जरूर ट्राई करना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है हैचिंग। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है निंजा नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन जंगल में से एक अजीब तरह का अंडा मिलता है, जिसे वो बिना सोचे समझ अपने घर पे लेके आ जाती है। अब धीरे धीरे करके ये अंडा बड़ा होता जाता है, और ये अंडा बहुत ही अजीब तरह का है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है, जब एक दिन अचानक से ये अंडा फट जाता है और इसके अंदर से एक बहुत ही अजीब तरह का क्रिएचर बाहर निकलता है, जो कि निंजा और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को इस क्रिएचर से कैसे बचाएंगे, और आखिर ये क्रिएचर कौन है, और आगे मूवी में जो कुछ भी होता है, वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है, देन
डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द स्टेशन। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है नायू नांग की, एक रिपोर्टर की, जिसे अपनी जॉब बचाने के लिए एक ऐसी न्यूज लाके देनी होगी जिससे कि अच्छी खासी TRP मिल सके। अब इसी बीच नायू को पता चलता है एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में जहां पे अचानक से बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे। तो ऐसे में नाय चली जाती है उस स्टेशन के ऊपर ताकि यहां पे जाके वो अच्छी खासी न्यूज कवर कर सके। लेकिन यहां पे आने के बाद नायू की लाइफ भी एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है। तो आखिर यहां पे आने के बाद नायू के साथ क्या कुछ कुछ होने वाला है और आखिर स्टेशन के अंदर ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की रेटिंग थोड़ी सी कम है लेकिन अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वंस इन अ डिजर्ट। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक मिलिट्री टीम की जिन्हें डिजर्ट के अंदर भेजा जाता है ताकि यहाँ पे जाके वो कुछ बम डिफ्यूज कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब यहाँ पे आने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इनकी टीम के कैप्टन को ही किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कैसे भी करके अपने कैप्टन को बचाएंगे। तो इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं अपने कैप्टन को बचाने के लिए। तो आखिर क्या ये लोग अपने कैप्टन को बचा पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर इनके साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये काफी कमाल की एक्शन वॉर मूवी है। अगर आपको इस तरह की मिलिट्री वाली एक्शन वॉर मूवीज देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेविल्स। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक सीरियल किलर गैंग की जो कि शहर में बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक बहुत ही बेरहमी से जान से मार रहे हैं। अभी सीरियल किलर गैंग को पकड़ने के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया जाता है लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो दबाता है जब एक महीने के बाद वही डिटेक्टिव सीरियल किलर बन जाता है और वो सीरियल किलर डिटेक्टिव बन जाता है, यानी कि उन दोनों की बॉडी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। अब आखिर ये चीज कैसे हुई और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, इन सब चीजों को समझने के लिए डेफिनेटली आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी की स्टोरी आपको सुनने में जितनी ज्यादा अजीब लग रही है असल में मूवी उतनी ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह की खून खराबे वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूलेड। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक हिटमैन की जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग फ्रैंक के फादर को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि फ्रैंक उन लोगों के लिए एक ऐसा काम करे जो कि शायद और कोई भी नहीं कर सकता। और अगर फ्रैंक ने ये काम करने से मना किया तो वो लोग उसके फादर को जान से मार देंगे। अब ऐसे में फ्रैंक अपने फादर को बचाने के लिए इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन इस काम को करते टाइम वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आखिर क्या फ्रैंक अपने मिशन को पूरा करके अपने फादर को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी कमाल की एक्शन क्राइम मूवी है जिसके अंदर आपको एक्शन के साथ साथ एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो अगर आप एक वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बैटलशिप। ये 2012 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहां पे एक सिग्नल भेजने की वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक एलियंस हमारे अर्थ के ऊपर आ जाते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अर्थ के ऊपर कब्जा करने के लिए।
अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है अमेरिका के नेवी मिलिट्री ऑफिसर्स की, जिन्हें इन एलियंस को खत्म करने के लिए भेजा गया है, लेकिन इन एलियंस का सामना करना लगभग इम्पॉसिबल पल है। तो आखिर ये लोग इन एलियंस का सामना कैसे करेंगे और क्या वो इन एलियंस को मार पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। देखा जाए तो मैंने अब तक बहुत सारी एलियन अटैक वाली मूवी देखी है, लेकिन ये मूवी उन सबके ऊपर आती है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की एलियन अटैक वाली मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर वन पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल दो मूवी देखने को मिल जाती है, एक्सट्रैक्शन पार्ट वन एंड पार्ट टू। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDB की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है टाइलर नाम के कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि पैसे लेके लोगों को बचाने का काम करता है। अब इसी बीच टाइलर को एक काम मिलता है, एक छोटे से इंडियन बच्चे को बचाने का, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में टाइलर निकल जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। तो आखिर क्या वो उस बच्चे को बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और ये दोनों ही मूवी बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, जिसके अंदर आपको बर्बू के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर कर मिटे और